नई खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आइए अभी तक की 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। राम मनोहर लोहिया पार्क में हापुड़ के शिक्षक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आज गजरौला में टीईटी पास युवकों द्वारा सरकार को जगाने के लिए नारेबाजी की गई। सरकार को योग्य और परीक्षा पास युवकों की बात सुननी चाहिए, ऐसी मांग। हरोड़ा गांव में 3 तलाक देने वाला आरोपी गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हिरणपुर चौकी गणदुत्तेश्वर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। उपचार के बाद दोनों युवकों की हुई मौत। बक्सर से डाना की 9 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क में 7.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। गणदुत्तेश्वर आलमनगर में दुकान का ताला तोड़ चोरों ने 47,000 नकदी समेत सामान चोरी किया। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। हापुड़ नेशनल हाईवे 9 पर लकड़ी से बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। बाइक सवार महिला सहित 3 लोग घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हापुड़पुर क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने मनचलों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। हापुड़ के विकास भवन में 24 जनवरी को CDO ने अध्यक्षता में बाबा अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन को लेकर बैठक होगी। दूषित पेयजल को लेकर इस्लामनगर के लोगों ने तिलकवा नगर पालिका में किया जमकर हंगामा। अभी इतना ही, आगे की मुख्य खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल से। नई खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।